एंड वेलकम बैक टू द चैनल तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग किडनी फंक्शनिंग की हम बात कर रहे हैं और हम यहां पर तीन कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं एक कंट्रोल सिस्टम है आपका फ्रॉम द जे जी ए दैट इज जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक पढ़ेंगे हम थ्रू एनएफ दैट इज एट्रियल नॉट री यूरेटिक फैक्टर एंड द थर्ड वन फ्राम द पेसोप्रेसिन या ए डी एच सी से आप बोलते हैं तो वन बाय वन करके हम जो है हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को तो so रेगुलेशन हमने जैसे बोला कि जितना भी फीडबैक मैकेनिज्म जितना भी है हमारी बॉडी में किस तरीके से जो है किडनीज फंक्शन करती है नेफ्रॉन फंक्शन करते हैं फॉर वॉटर रिटेन रहना है कब उसको रिजॉ रीअबॉर्ब करना है और कब जो है उसका एक्सेसिव यूरिन फॉर्मेशन करनी है उन सब में जो है ये सारा कंट्रोल रहता है तो हमने बात यहां पर की दोस्तों कंट्रोल में हम कंट्रोल में बात कर रहे हैं सबसे पहले कंट्रोल बाय आपका आप इसे आर ए एस सिस्टम भी कह सकते हैं राइट आर ए एस सिस्टम आपका आ जाता है ये इसे आप कह सकते हो आर एस सिस्टम दैट इज द रेन इन एनजीओ रेनिन यहां पे एन आई एन होगा आपको याद रखना है डाइजेस्टिव में डबल एन आई एन वाला यूज होता है यहां पे आर ई एन आई एन रेनिन देन रैनिन एलडोस्टिर सिस्टम एक सिस्टम आपका ये आ जाता है राइट और एक सिस्टम हम बढ़ेंगे थ्रू ए एन एफ एंड ए डी एच तो जो पहला सिस्टम है हमारा डेट इज द आर ए एस आर ए एस एस की सिस्टम में सबसे पहली चीज अगर हम बात करें हमारे पास जो है हमारे पास किडनी के पास में जो है सेल्स होते हैं या मैक्यूलर डन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्शन फॉर्म करते हैं जिसे आप बोलते हो जक्स्टा ग्लोमुलर एप्रेटस दैट इज जे जी ए ये जो है ये काम करता है एज ए मल्टी हारमोन की तरह और इसी तरीके से जो है ये मल्टी हारमोनल आपका ये सिस्टम को ऑपरेट करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे हम याद रखने वाले हैं जो वो क्या जैसे ही आपको लगेगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है या ब्लड वॉल्यूम है अगर वो डिक्रीज हो जाती है राइट दो चीज़ें बोली मैंने आपका ब्लड प्रेशर या फिर आपका ब्लड वॉल्यूम अगर दोनों चीज़ें जो हैं आपकी क्या हो जा रही हैं फॉल हो रही हैं डिक्रीज हो रही हैं अल्टीमेटली ही क्या करेंगी आपके ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी डिक्रीज़ करवा देगी राइट right? जैसे ही आपका ग्लोमुलर ब्लड फ्लो या ग्लॉम ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर बोलो या जी एफ आर बोलो ये जैसे ही डाउन होते हैं अल्टीमेटली इट विल एक्टिवेट इनके डाउन होते ही जो है ये एक्टिवेट करते हैं दोस्तों क्या एक्टिवेट करते हैं ये हमारे पास जक्स्ट्रा ग्लोमुलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और जैसे ही ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं इन टर्न दीज सेल्स रिलीज अ रैनिन एंड वो रैनिन जो है देन आगे फंक्शनिंग करता है तो इसको फ्लोचार्ट के थ्रू हम इसको आगे पढ़ते हैं लेट्स सी हमने बोला जैसे ही देर इज अ ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम बोल रहे हो आप ब्लड फ्लो बोलोगे या ब्लड प्रेशर या ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर बोल सकते हो या ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट बोल सकते हो देन इट विल एक्टिवेट्स द सेल दिल ग्लोमुलर सेल्स जो आपकी किडनी में प्रेजेंट है राइट आपके ये सेल्स जो है फदर ऑन ये क्या करते हैं ये रिलीज करते हैं आपके पास रेनिन ये रैनिन जो है दिस रैनिन कन्वर्ट्स द हमारे पास एक एंजाइम जो है देखिए यहाँ पे जैन लगा हुआ है जेन मीन्स इनएक्टिवेट फॉर्म में जो है एक एंजाइम आ रही है कहाँ से आ रही है दोस्तों लीवर से दैट मीन सिंगल एक किडनी जो है इस पर काम नहीं कर रही है मल्टीपल अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पर लीवर हार्ट हाइपोथैलमस और आपके लंग्स जो है इसको बैलेंसिंग करने में हेल्प कर रहे हैं तो आपके पास एनजियोटेन्सिनोजन जो है इनएक्टिवेट फॉर्म में आपकी एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रही है लीवर से रिलीज हो रही है और ये आपकी आ जाएगी डेट किसमें ब्लड में ये रैनिन जो है इसके ऊपर काम करेगी और इसको इनएक्टिवेट फॉर्म से बना देगी एक्टिवेट फॉर्म में एंड दैट एक्टिवेट फॉर्म इज कॉल्ड एज एनजियोटेनसिनोजन ये ऊपर आया एनजियोटेनसिनोजन इट विल कन्वर्टेड इन टू एनजियोटेंसिन फर्स्ट ये लीवर में बना उसके बाद ये आपके पास एनजियोटेसिन फर्स्ट जो है आपके पास लंग्स में से एक कन्वर्टिंग एंजाइम आएगी ए सी ई जिसे हमने कहा ये कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एंजियोटेंसन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगी एंजियोटेंसन सेकेंड में राइट एंड आफ्टर डैट जैसे ही रेनिन ने आपके यहाँ पर क्या किया रेनिन ने आपके एनजीओ टनिनोजन को से आपका आ गया क्या एनजीओटेंसिन फर्स्ट ठीक है लंग से आपके पास एंजाइम आई ए सीई e. यहां से बन गया आपका एंजियोटेंसिन एनजीओटेंसिन एंजियोटेंसिन सेकेंड जैसे आपके पास आता है ये क्या करता है वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करता है आपकी जो ब्लड वेसल्स है ये उनको क्या करता है कंस्ट्रिक्ट करता है और जैसे ही उनको कंस्ट्रिक्ट करेगा तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा क्या बोला यहाँ से जो आपका बच्चा पार्टी क्या बोला कि जो ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर आपका है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे ही आपकी वेसल्स जो हैं आपके आर्ट्रियोल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे अब दो तरीके हैं कंस्ट्रिक्शन के या तो डायरेक्टली या तो कंस्ट्रिक्शन के दो तरीके हो सकते हैं हमारे पास कंस्ट्रिक्शन में या तो जो है डायरेक्टली जो सिग्नल्स हैं वो सिग्नल्स आपके डायरेक्ट कहाँ जाएं पीसीटी में आपका प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड टिब्यूल जो है उसके पास डायरेक्ट सिग्नल जाते हैं और हमें मालूम है जो ये पीसीटी है ये क्या करता है रीएब्जॉर्प्शन तो ये ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन करने शुरू हो जाए किसकी एनए और वाटर की राइट right? एक तरीका ये है दूसरा तरीका हमारे पास क्या है या तो ये क्या करें एड्रीनल ग्लैंड जो हैं आपके आपके एड्रीनल ग्लैंड जो कि आपके किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड में जो है ये एक हार्मोन रिलीज करें एड्रीनल ग्लैंड में क्या करें एक हार्मोन रिलीज करें एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज द एल्डोस्टेरोन हार्मोन ठीक है वो हार्मोन जैसे ही आपका रिलीज होगा एंड ये मेनली काम करता है आपका डिजिटल पार्ट पे दैट इज डी ताकि वहां पे जो है री हो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की राइट मेनली सोडियम की बात करते हैं हम लोग और इसकी वजह से भी जो है इंटर्न आपका बीपी जो है ब्लड प्रेशर जो है या ब्लड वॉल्यूम जो है आपकी वो क्या हो जाएगी इंक्रीज तो ये एक कंप्लीट जो है एक क्या बनता है फीडबैक सिस्टम और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये नेगेटिव फीडबैक लेके जाएगा ताकि उसी सिस्टम को वहां पर क्या कर सके रोक सके तो यहां पर जिस तरीके से हमने कहा अब आप यहां पर देख सकते हो आराम से हम यहां पे पहुंचे थे तो यहां पर जो आपके ये लंग्स हैं राइट इन लंग्स के थ्रू जो है ये एंजाइम कन्वर्ट हो गई अब एंजोटेजन जो है आपकी जैसे जैसे आगे जा रही है और ये सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो यहां पर तीन जगहों पर जाकर जो है ये काम कर रही है हार्ट पे काम करेगी तो हार्ट पे जो है हार्ट से जो है रिलीज होगा हमारे पास फैक्टर्स वो वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करवा देंगे एंड इन टर्न हमारा बी पी रेज करेगा एड्रिनल कॉटेक्स पे पास जाएंगे तो वहाँ पर आपका एल्डोस्टिरोन हार्मोन आ जाएगा तो वहाँ पे भी सॉल्ट और वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगे जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी या फिर आपका डायरेक्टली हाइपोथेलमस रीजन के ऊपर काम करेंगे हाइपोथेलमस रीजन भी जो है आपका वहाँ पर डायरेक्टली आपके जो हारमोन्स हैं वहाँ पर उन हारमोन्स के ऊपर काम करेंगे या आपके हाइपोथलमस में जो आपके सेंटर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करेंगे ताकि जो है बॉडी में वाटर की जरूरत है तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी या पानी ज़्यादा पियोगे तो ये एक आपका रेगुलेट सिस्टम बना रहे ताकि जो है आपकी बॉडी में ये सिस्टमेटिकली सब चीजें हो तो ये आया आपका एक पार्ट इसी तरीके से अगर हम सिकेंड बात करें तो सेकेंड जो है हमारे पास दैट इज द कंट्रोल बाय ए एन एफ एंड दिस ए एन एफ जो है आपका ये फैक्टर जो है ये जस्ट आपके आर ए ए सिस्टम के अपोजिट चलता है इट अपोजिज दिस सिस्टम राइट आपका ए एन एफ जो है इट अपोजिज आर ए एस राइट तो ए एन एफ हमने बोला आपके हार्ट से एट्रियल टिक फैक्टर आपके कहाँ से रिलीज होगा इट रिलीज फ्रॉम योर हार्ट राइट आपकी जो हार्ट की मेनली अगर आपको याद रखना है हार्ट की जो बच्चा बाटी वॉल्स होती हैं आपके आर्ट्रिया की उन वॉल से ये फैक्टर रिलीज होता है एंड इन टर्न दिस फैक्टर इंक्रीजेज यूम एंड ब्लड प्रेशर राइट क्या आपकी हार्ट वॉल से जो है ए एन एफ रिलीज होता है पहले जब ये क्या है आपका अगर जो रेट कम है ये क्या करेगा इंक्रीज़ करेगा आपके ब्लड प्रेशर को आपके ब्लड वॉल्यूम को या फिर आपके बोल सकते हो ग्लोमलेस फिल्ट्रेशन रेट को क्लियर और साथ ही साथ ये आ गया एक चीज़ आपका ए एन एफ इस तरीके से इस चीज़ को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है साथ ही साथ आपका ए एन एफ जो है वो क्या करता है वेसल्स की डायलेशंस भी करता है जबकि ब्लड वेसल्स है उसकी डायलेशन भी करता है राइट बाय डिक्रीजिंग योर बीपी और बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो एंटागोनिस्ट काम भी करेगा रैनिन को इनहिबिट भी कर देता है एडीएच की सिक्यशन को इनहिबिट भी कर देता है और यूरिन की कंसेंट्रेशन को डल्यूट भी कर देता है आप या याद रखोगे अगर अपोजिट काम एंटागोनिस्टिक काम क्या हुआ डायरेक्टली अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बीपी बढ़ गया है तो उसको भी तो कंट्रोल करना नहीं है तो हार्ट अटैक हो जाएगा तो ये उस टाइम पीरियड पे क्या करेगा वेसल्स को डायलेट कर देता है हमारी सिंपथेटिक नर्व सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाती है इनहिबिट कर देगा एट दैट टाइम आपके रेनिन को ठीक है ए डी एच की सिचुएशन को सबको रोक देगा ताकि जो है प्रेशर जो है वापस से जो है वो क्या हो जाए मेंटेन हो जाए प्रेशर वापस से जो है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो ऑन होल आप देख सकते हो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर इनहिबिट कर रही हैं किसकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट से जो है वापस जो है वो रि एब्जॉपन ना हो या एल्डोस्टुर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज ना हो और एक्सक्रीशन जो है उसमें यूरन की कंसनट्रेशन में सोडियम आइंस की कंसनट्रेशन बढ़ा दे ताकि वो लेवल जो है आपका वापस मेनटेन हो जाए राइट ये हुई दो चीज़ें थर्ड वन इसी की तरीके से जो है हमारे पास आता है डैट इज यूर कंट्रोल बाय ए डी एच एडीएच की अगर आप बात करो एडीएच को आप बोलते हो एंटी डाय हार्मोन या फिर आप उसे बोलते हो वेसोप्रेसिन राइट right? आपके पोस्टीरियर पिचुटरी से इट इज रिलीज फ्रॉम योर पोस्टीरियर पिचुटरी ग्लैंड राइट और या फिर आप बोल सकते हो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए क्योंकि डायरेक्टली जो है आपके एग्जॉन्स जो है जो आपके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं वो आपके हाइपोथलमस जो है हाइपोथलमस करता है आपके पिचुटरी के इसको रेगुलेट ताकि वो डायरेक्टली पोस्टीरियर पार्ट से ए रिलीज़ कर सके और जैसे ही आपका ए जो है ये रिलीज़ होता है तो क्या होता है हमारे पास जो है डिफरेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में राइट किडनी में भी इसी तरीके से आपके क्या प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो हैं दोस्तों ये आपके जितने भी ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं ये फ्लक्चुएट करते हैं जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम या आपका बॉडी फ्लूड वॉल्यूम या एनी कंसनट्रेशन चेंज होती है तो ये भी चेंज हो जाते हैं अब अगर आपको आपकी बॉडी पे अगर आपकी बॉडी पे लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्लूड जो है वो लॉस हो रहा है राइट बहुत ज़्यादा फ्लूड जो है आपका क्या हो रहा है लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा फ्लूड बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में देन ये क्या होते हैं ये रिसेप्टर्स जो हैं दोस्तों ये एक्टिवेट हो जाते हैं जिस एक्टिवेट यूअर दीज़ रिसेप्टर्स विच रिसेप्टर्स दैट आर ऑस्मो रिसेप्टर्स को ये क्या कर देते हैं एक्टिवेट कर देते हैं एंड इन टर्न ये रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल ले जाते हैं आपके हाइपोथैलमस पे और वो हाइपोथलमस जो है वो क्या करेगा आपका ए डी एच डायरेक्टली रिलीज़ करेगा फ्रॉम योर न्यूरोहाइपोफाइसिस और ये फैसिलिटेट करेंगे ताकि जो है सोडियम्स आयन और वाटर की क्या कर सके रीएब्जॉर्प्शन कर सके कहाँ से टिब्यूल के लिटरल पार्ट से और जिसकी वजह से ये एक्सेसिव यूरिन को होना रोक देते हैं इट स्टॉप्स एक्सेसिव यूरिनेशन ताकि जो है ज्यादा फ्लूड बॉडी से जो है एक्सपेल आउट ना हो और इसी चीज को आप क्या बोलते हो डायरिस राइट देन यहाँ तो ए ने काम किया इस तरीके से और एडीएच हारमोन जो है दोस्तों आपके पास यही ए काम करता है जिस टाइम आपका दूसरी तरीके से अगर लगे कि बॉडी में आपका फ्लूड जो है इंक्रीज हो गया बहुत ये तो लॉस होने पे हो रहा था तो एंटागोनिस्टिक्स का उल्टा होगा जैसे अगर बॉडी को लगेगा कि बहुत ज़्यादा फ्लूड हो गया है तो वो इन्हीं रिसेप्टर्स को क्या कर देगा स्विच ऑफ स्विच ऑफ कर देगा तो वो कर देंगे सप्रेस कर देंगे आपके ए डी एच सेल को और वो एक फीडबैक जो है वो पूरा का पूरा चले जाएगा राइट इसके अलावा भी जो है आपका ए डी एच जो है इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर किडनी हाउ किडनी को क्या करता है ये किडनी में आपके जो है जो है किडनी की फंक्शनिंग को कैसे कंट्रोल करता है ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा और जैसे ही आपके ब्लड वेसल्स जो हैं कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा आपका ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट भी जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज ग्लोमुलेशन जो आपका ग्लोमुलर ब्लड फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और उसका रेट भी जो है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज एंड बाय दिस इस तरीके से जो है ये सब चीज़ों को क्या कर देते हैं बैलेंस कर देते हैं राइट right? और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है यही आपका जो ए डी एच है अगर ए डी एच की डैफिशंसी हो जाए ई डी एच हारमोन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहा है देन आपको याद रखना है ए डी एच की वजह से ही जो है आपके टाइ आपके पास एक डायबिटीज होती है एंड डैड डायबिटीज इज कॉल्ड एस डायबिटीज इन सी पीडस मालिटस आपको याद रखनी है बीटा सेल्स पेंक्रियाज की वजह से होती है लेकिन डायबिटीज़ इंसिपीडियस जो है आपकी ये आपकी किसकी वजह से होती है ए की वजह से और इसमें यूरिन में ग्लूकोज जो है वो नहीं आता राइट तो ये आपके पास आ जाता है आपका कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल सिस्टम में हमने यहाँ पर जो पढ़ा वो हमने ए के बारे में भी पढ़ा हमने एन के बारे में पढ़ा और साथ साथ में हमने पढ़ा रैस सिस्टम के बारे में तो ऑन होल इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी किडनी जो है वो रेगुलेट करती है अपनी फंक्शनिंग को और पूरा जो है कैसा यूरिन बॉडी से जो है एक्सपेल आउट होना चाहिए और वाटर बैलेंस किस तरीके से मेंटेन होना चाहिए ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए वो इस तरीके से क्या कर देती है मेंटेन कर देती है एंड आई होप यहाँ तक आपको हर एक बात जो है वो ईज़िली क्लियर हो चुकी हुई है थैंक यू सो मच